तो दोस्तों वेलकम वेलकम बैक वापस से एक नए स्टोन ड्रैगन के वीडियो के अंदर। तो लास्ट टाइम अपने यहाँ पे अपने हम म्यूटू को इवॉल्व किए थे, एक्स किए थे, उसको बहुत सारे मूव दिए थे। आग गुफा में आते टीम रॉकेट का हाफ मेंबर को हरा चुके थे, बाकी सारे मेंबर्स को और जीवानी को अपन इसी वीडियो में हराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही थी, सीक्रेट रास्ता, तो मैं बोला सीक्रेट रास्ते को चले जाओ, पर आगे बैटल ना करना पड़े। तो भाई ये गुफा के अंदर जो नर्सें घूम रही है, इनसे मैं मेरे अपने पोकेमोन को रिपेयर करा लेता हूँ। रिपेयर करा लिया, अब जाके देखते हैं सीढ़ी वाला रास्ता मेरे को, सांप सीढ़ी वाला रास्ता मेरे को कहाँ पर लेके जाएगा, ठीक है। सूडो वूडो मिल रहा है जो मेरे को नहीं चाहिए। आगे का रास्ता देख लेते एक बार। सीढ़ी के अंदर कुछ था नहीं, वैसे मैं देख चुका हूँ, कुछ खास था नहीं तो मैंने इग्नोर किया। तो ये नेक्स्ट रास्ता अपना, ठीक है। नेक्स्ट सीढ़ी विक्ट्री केव का लास्ट एंड थर्ड फाइनल पार्ट बोल सकते हैं इसलिए। ओह लेजेंड 73 भाई, इसको कैप्चर करना है। इसका लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है, 73 लेवल का है, तो भाई इसको कैप्चर करना बनता है। और मेरे को तो कुछ चाहिए ही था भाई, तो लेजेंड रैक प्लीज़ कैप्चर हो जाना। ओके भाई, अपने पास फाइनली अपने लेजेंड रैक को अपने कैप्चर कर लिए फाइनली। इसको अपन पक्का यूज़ करूँगा मेरे टीम के अंदर, क्योंकि 74 लेवल का, इसको क्यों ना यूज़ किया जाए। लेजेंड रॉक को नाम नहीं देना है भाई, लेजेंड रॉक लेजेंड रॉक ही रहेगा। वेल्वेट नाम दे सकता था, पर ठीक है भाई, ऐसे ही अच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हराने में मेहनत लगी, तो पोकेमोन को वापस से भाई अंदर जो है एक गुफा छोड़ के, ये सीढ़ी छोड़ के, तो फटाफट मैं इनका वो भी कर लिया। और ये सीढ़ी देखो, तुमको भी दिखा देता हूँ सीढ़ी के अंदर। सीढ़ी के अंदर देखो, यहाँ पे एक पोकेबॉल था जहाँ से अब तेको रेबे का आइटम 2 सुपर रिपेल मिलने वाला था, जो सुपर रिपेल मेरे को नहीं लगता है कि अभी मेरे कुछ काम आने वाले। तो विक्ट्री केव से अपन निकले, अपन फाइनल एक्ट में आ चुके, पार्ट में एक्ट में जो भी बोले, विक्ट्री रोड गए। एक और पोकेबॉल सनी डे टीएम मिला है, सनी डे ग्रास टाइप पोकेमॉन जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ओके सनी डे भी मेरे को ज़्यादा काम का नहीं है, तो अपन फटाफट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी पे सीढ़ी पे सीढ़ी दिख रही है। ओ गुफा वाला रास्ता, यू थिंक यू कैन बीट मी, हाँ आंटी आई यू कैन बीट यू। और मैं आपको हरा चुका हूँ, उसकी बैटल इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं उसको वीडियो में दिखाऊँ। इश्यू बैक आप टिकोपोटे ऑप्टेन प्रीमियर बॉल। ओके प्रीमियर बॉल का क्या काम आएगा मेरे को पता नहीं है, पर प्रीमियम बॉल मिल जाए तो मेरे हिसाब से कोई मेरे को अच्छा डरावना पोकेमॉन मिलने वाले। ओके मैं गिरा तो गुफा में, पर गिरा ऊपर से अजीब, पर ओके। अरे वापस गिर गया, ओके एक सेकंड, वापस गिर गया, गलती से गिर गया था। मतलब गिरने वाला इसका सिस्टम अच्छा, धड़ से गिरते हैं धूल। ओ देखो जीवानी टकला दिख चुका अपने को, ठीक है। जीवानी टिकला टकला दिख चुका, ये बंदे से फाइनल बैटल करनी है, फिर जीवानी की बारी। कांट वे टॉक टू योर लीडर, उसको भी हरा दिया। इसके पर इसके पीछे पोकेबॉल छुपाया था, ये क्या है। रेबेका ऐसे आइटम ऑप्टेन एनर्जी पावर, एनर्जी पावर को अपने जेब में रख लिया। अब अपनी फाइनल बैटल होगी जीवानी से। एज ऑलवेज तुम यहाँ पे दुनिया के अंदर तबाही मचा रहे, पर ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। मैं तुमको ये कंटिन्यू करने नहीं दूंगा, तुम्हारा प्लान दुनिया को कॉन्कर करने वाला, अपने कब्जे में करने वाला। जीवानी बोलता है मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुस्सी बोलता है कि जो कि मैं हूँ, कि मेरा गोल है दुनिया जैक्रम को बचाना। उसने मेरे को बोल्ड सिटी के अंदर मेरे से हेल्प मांगा था। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम जैक्रम के लिए आए हो, तुमको वो चाहिए, तुमको जैक्रम चाहिए। फिर जैक्रम निकला, जैक्रम चले बोला भाई आराम से, नहीं तो तेरी जो पावर है ना उससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं भी बोलता हूँ हाँ भाई हम लोग लड़ाई कर रहे, पर तू तू एकदम बोलते ना इमोशन में बह मत, तू लड़ाई मत कर, तू शांत रहे, मैं तेरे को पक्का छुड़ा लूँगा इस जीवानी से। वो बोलता है फिर से मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुमको इतने आसानी से नहीं हरा पाओगे, मैं तुमको दिखाता हूँ मेरी पावर। यहाँ पर अपनी फाइनल बैटल होने जानी है मेरे हिसाब से जीवानी वर्सेस मेरी, ठीक है भाई। बंदे के हाथ में मास्टर बॉल दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर उसके पास म्यूटो आ चुका लेवल 70 का, मेरे पास 67 का है, पर मेरे पास मेगा म्यूटू है। तो मैंने उस पहले पर अर्थ भी यूज़ किया, क्योंकि मेरे को उसका पोकेमॉन जमीन पे खड़े हुए दिख रहा था। देखो गरीब ने स्विफ्ट यूज़ किया, अपन ब्लिजर्ड भी यूज़ करेंगे, और भाई देखो दो अटैक में म्यूटू का काम अपन ने तमाम कर दिया। फिर म्यू भी आया इसका, जो मेरे को पूरे गेम में नहीं दिखा, इसको पता नहीं कहाँ से मिल चुका है। साइकिल यूज़ करेगा मेरे पे, देखते हो रिकवर यूज़ कर लेता हूँ, फिर देखो देखो रिकवर इसका अटैक अच्छा है, मैंने अच्छा वो रिकवर छोड़ दिया। न्यू ने सब कुछ अपना स्पीड स्पीड बढ़ा दिया है। अब न्यू को अपन मारेंगे थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट से न्यू थोड़ा सा जिंदा है, एक और थंडरबोल्ट पड़ेगा, पर इसने हाइपर लोशन यूज़ कर लिया, पर कोई नहीं, इस पर अपन थंडरबोल्ट यूज़ करेंगे, इसका यही अटैक काम तमाम करेगा, ठीक है। अपन ने म्यू को भी हरा दिए, म्यूटू को हरा दिए, म्यू को हरा दिए। नेक्स्ट पोकेमॉन जीवानी का लूगिया आने वाला है, पानी वाला पोकेमॉन, उड़ने वाला पोकेमॉन। भाई मेरे पास करंट है लूगिया का, इसी ओ लूगिया पैरालाइज हुआ। ओके लूगिया का काम तमाम, दो अटैक में मेरा म्यूटू इसके तीन पोकेमॉन को हरा चुका है, क्योंकि मेरा मेगा म्यूटू नॉर्मल वाला नहीं। उसका फोर्थ पोकेमॉन 80 लेवल का मेगा म्यूटू एक्स आ चुका है, जो मेरे हिसाब से ये पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन को हरा सकता है, क्योंकि भाई इसका लेवल भी ज़्यादा है और वो एक्स वाला है। तो देखते क्या होगा, अर्थक्वेक यूज़ किया, और भाई इसने कोई अजीब सा गोला फेंक के मारा चमकीला, क्या बोलते उसको, टाइम बम का, गोकू का टाइम बम मार, नहीं स्पिरिट बम मार दिया उसने मेरे को गोकू का। मेरा काम तमाम हो चुका है,
नेक्स्ट पोकेमॉन सेरेप्टर को अपन ने बाहर निकाले, एंडेवर टेक डाउन यूज़ करेंगे, अपन ने क्या एमनीजिया यूज़ करते हैं, आदत भुला दी क्या उसकी, एंडेवर मेरे सबसे एंडेवर सबसे हार्ड अटैक है इसका, क्योंकि क्या बोलते हैं वो देखो साइकिक मार के एक ही बार में काम करा, इसलिए मैं बोल रहा था लास्ट एपिसोड में कि इस चिड़िया को मैं मेरी टीम से हटाने वाला हूँ। राइडॉन का रॉक ब्लास्ट जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ इसका काम तमाम करने के लिए। ओके मेरा ड्रैगलेज मारेगा, पॉइजन डैमेज दे देके इसको, जब ये लोग दो पोकेमॉन एक एक अटैक में मर रहे तो भाई इससे क्यों लग रहा है कि दो पोकेमॉन बाकी के पता नहीं रायकुजा और ग्राउडो, वो रायकुजा और ग्राउडो निकल जाएंगे, देखते सर्फ यूज़ किया अपन ने, स्लज बॉम्ब वापस यूज़ करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा डैमेज चलो शुक्र इसको पॉइजन वाली सर्फ लग चुकी है, पर इसने वापस से डरावना साइकिक यूज़ किया। अब मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन निकलेगा मैगी, होपफुली मैगी इसका काम तमाम कर दे। भाई पोशन यूज़ कर लिया बंदे ने, थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ रहा है, पर ये है कि फायर के साथ इसका पॉइजन डैमेज, ओ ओ ओ यस यस, मेरा ये पोकेमॉन मैगी ने इसका ये मेरा फर्स्ट पोकेमॉन है जो इसके डरावने चमकीले पावर को थोड़ा अच्छे से सह लिया। ओके बोल ही रहा था चले गया मेरा, देखो लास्ट पोकेमॉन बचा ही ग्रीन निंजा, पर भाई यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा तो हार जाऊँगा और मेरे को लोग भेज देंगे बहुत पीछे, तो मैं इसको अटैक करने से पहले बैग में जाके थोड़ी सी चीटिंग करता हूँ, रिवाइव यूज़ करता हूँ क्योंकि सोलर रिवाइव खरीद के रखा हूँ मैंने, ताकि अगर मैं हार जाऊँ तो मैं फेंट होकर पोकेमॉन सेंटर ना पहुँच जाऊँ, तो यहाँ पर यूट्यूब अपन भरोसा करते और बाकी सब देखेगा अपना ग्रीन निंजा। ओके फाइनली ग्रीन निंजा ने मार दिया अटैक, ग्रीन निंजा को 2185 एक्सपी मिल चुकी है और जीवानी को वाई यूज़ करने जा रहे हैं। ओके ओके जीवानी का फाइनल पोकेमॉन अभी आ चुका है जो कि है म्यूटू वाई, ठीक है मस्ट बी रिचार्ज। ओके रिचार्ज हो जाए, मेगा म्यूटू ने बैरियर यूज़ किया, थैंक यू भाई डिफेंस अटैक यूज़ करने के लिए, डिफेंस आप ली रोज कोई नहीं, एक्स्ट्रा सेंसरी इसको अपन हाइड्रो कैनन ही मारेंगे, ओ अच्छी खासी हेल्थ कम हो चुकी है उसके हाइड्रो सेंसर से, ओ ओ भाई पर देखो बहुत बोलते ना बहुत ज़्यादा दिमाग में इसे, स्मार्ट कोई है नहीं जो मैंने यहाँ पे म्यूटू को देख सकते हो, मैंने कैसा कर दिया म्यूटू के साथ, मैंने उसको हेल्थ नहीं दिया था, अब तक वाइप आउट हो चुका होता मैं और मेरे को वापस से सबसे बैटल करनी पड़ती, तो भाई वापस से लास्ट पोकेमॉन बचा है तो किसी का भला कर देते, किसी को रिवाइव कर देते, रिवाइव करेंगे ग्रीनजा कोई क्योंकि कोई अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। ठीक है अब करते हैं अपन फाइट, थंडरबोल्ट ब्लिजर्ड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मारेंगे इसको, वो साइकिक एक और अर्थक्वेक, ओके दो अर्थक्वेक में अपन ने मेगा म्यूटू वाई को भी हरा दिया, मेगा म्यूटू वाई बॉसेस मेगा म्यूटू वाई में अपना वाला मेगा म्यूटू वाई जीता है। 74 ग्रीन निंजा जा चुके हैं अपना, नाइस तो अपन ने फाइनली रॉकर जीवानी टीम रॉकर के बॉस को हरा दिए, पे फॉर दिस बोल के इसने अपने को पैसे पे किया ही 1920 रुपये। ओके नाइस डोंट थिंक इट्स ओवर ऑल बोल के जीवानी सर भाग गए, और अब अपन बोल रहे जैक्रम डर मत, अपन फिर चुके जैक्रम बोल रहे क्या तुम मुझे, अपन जैक्रम ने बोला जैक्रम, अपन बोले क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे, और जैक्रम खुश हो गया अपने को मास्टर बॉल मिल चुका है, तो मेरे हिसाब से ये मास्टर बॉल में अपन कैप्चर करने वाले अपने जैक्रम को, तो बैटल क्यों करना है भाई, हर चीज़ लड़ाई क्यों करना है, जब बंदा खुश आने के लिए तो बैटल ही क्यों करना है, मेरे को नहीं लगा था कि जो भी पोकेमॉन खुश हो शायद बैटल करता है सीधा बॉल फेंक देता है, तो अपन सीधा बॉल फेंकेंगे इसको कैप्चर करने के लिए, इसे मेरा म्यूट्यूब घायल है। ठीक है अपन ने इसमें फेंक दिया, मास्टर बॉल लेवल 70 का जैक्रम है, अच्छा लेवल का है, और हाँ देखो ना कैप्चर पकड़ लिया कि भाई खुश पोकेमॉन से जबरदस्ती बैटल क्यों करना है, खुश पोकेमॉन से बैटल नहीं किया जाता है, तो भाई अपन ने जैक्रम पोकेमॉन को कैप्चर कर लिया, जैक्रम लड़ाई कर रहा था जीवानी से कि वो उसको कैप्चर ना करे, और ऐश कर लिया, ऐसे नहीं काम करता लेजेंडरी पोकेमॉन, पर ये गेम में तो कोई बात नहीं। अरे टीम रॉकेट के मेंबर को अभी भी हराना पड़ रहा है यहाँ पे भी आने बाद, टीम रॉकेट के मेंबर इतने सारे रास्ते में अभी भी क्यों है। ओके टॉन्ट टीएम मिल चुका है, टॉन्ट भाई जिल्ला तिल्ला तो नहीं देता हूँ मैं किसी को, तो टॉन्ट पोकेमॉन टीएम का तो काम नहीं है, बेच दूंगा। ओ ओ केव, ओके फाइनली केव के बाहर का रास्ता मिल चुका है, मैं यहाँ पे आया मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बोला रास्ता क्या, और स्पीड यूज़ किया तो देखो मैं छत पे चढ़ गया गुफा की, फिर मेरे को बाद में पता लगा कि छत पे नहीं यहाँ से नीचे उतर के आ गए अपन उस केव के, विक्ट्री केव के बाहर, विक्ट्री केव से अपन विक्ट्री करके आए टीम रॉकेट पे, जैक्रम की जान बचाए और लेजेंडरी पोकेमॉन कर ली, 8 बैज अपने पास है ये, तो देखते नेक्स्ट एडवेंचर मेरे हिसाब से अब होने वाला है अपने पोकेमॉन लीग का, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।